Good morning, student of class 2nd. I am here Nita Joshi. We have completed the explanation of this chapter and now we start word meaning. This is your English book, class 2nd, chapter 9, cleaning of the beach. So please open your copy and write the word meaning. आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे मेंशन किया है अपनी कॉपी में जहाँ से आपका एट चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके आगे से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे न्यू पेज पर लेसन सी डब्ल्यू डेट अच्छे से मेंशन करेंगे और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे नीट एंड क्लियर राइटिंग में और आप देख रहे हैं मैंने वर्ड मीनिंग स्टार्ट किए हैं सब वर्ड के फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल लिखा है तो आपको भी वैसे ही लिखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फर्स्ट वर्ड में लिखा है हेडेड यानी वेन टू डिस में सैडनेस और वरी थर्ड में देखेंगे लीटर्स मेड अनटाइडी विथ गारबेज फोर्थ में देखिए सॉल्स स्पेड्स ठीक है फिफ्थ में देखिए सर्वे यानी एग्जामिन ये होने के बाद आप न्यू पेज से इसके हिंदी वाले वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको डेट हेडिंग सी डब्ल्यू लेसन बहुत अच्छे से मेंशन करना है वर्ड मीनिंग मैंने लिखे न्यू लाइन में और नीचे उसके पास में ब्रैकेट में शब्दार्थ लिखे तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है बीच यानी समुद्री किनारा सेकेंड एक्साइटेड उत्सुक होना थर्ड में देखेंगे सेन कैस्टल रेत से बनाया हुआ किला घर या घरोंदा ठीक है फोर्थ में देखेंगे डिसमे डिसमे का मतलब होता है दुख होना या बुरा लगना फिफ्थ में देखिए गारबेज यानी कचरा सिक्स में देखिए लिटर्स यानी फैला पड़ा फैला पड़ा क्या था कचरा सारा बीच पर फैला हुआ था ठीक है सॉल सॉल क्या होता है हाथिया या बेलचा जो जिससे हम कचरा साफ करते हैं कचरा उठाते है। ये एक टाइप का कचरा उठाने वाला टूल्स हो टूल होता है ठीक है उससे आगे देखेंगे ग्लव्स ग्लव्स क्या होते हैं हाथ के मोजे प्लास्टिक वाले जो हम यूज़ करके फेंक सकते हैं उसको कहते हैं दस्ताने ठीक है उसके आगे देखेंगे सेवरल हवर्स यानी कि कई घंटों तक काम किया उन सब ने मिलकर क्या किया था बहुत सारे हवर्स में कचरा क्लीन किया था ठीक है नेक्स्ट है सर्वे सर्वेक्षण करना यानी ध्यान से देखना कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई या क्लियर क्लियर ठीक से हुआ है या नहीं उसको कहते हैं सर्वे सर्वेक्षण करना नेक्स्ट है ग्लेड ग्लेड यानी खुश होना सराउंडिंग आस पास स, अपने आस पास ठीक है न सराउंडिंग का मतलब होता है आस पास तो ये आपके हो गए वर्ड मीनिंग कम्प्लीट अब आपको हिंदी और इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग को कॉपी में नीट एंड क्लियर राइटिंग से कम्प्लीट करना है अब इसके जो नेक्स्ट uh, एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करा दूँगी और इस वर्ड मीनिंग के पी डी एफ भी मैं आपको भेज दूँगी ओके okay?